प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी आफत, सड़कों पर झूलते बिजली के तार। जी हां, ये आलम है देवास जिले के खातेगांव का। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल खातेगांव क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन संबंधित एजेंसी ने पोल शिफ्टिंग कार्य अभी तक नहीं करवाया, जबकि तार ऊंचे और पोल शिफ्टिंग का यह काम सड़क निर्माण से पहले होना था, लेकिन सड़कों पर मुरम डालकर ऊंचा कर दिया गया, जिस वजह से उसके ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार आए दिन वाहनों में टकरा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया जब तेंदुपत्ते से भरा एक ट्रक इन बिजली की तारों की भेंट चढ़ गया। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से जलती हुई आग सहित वाहन को पानी के स्थान पर ले जाया गया, जहां ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सर, इसमें संबंधित विभाग जो MPRRDA होता है, इसके और हमारे MPD की तरफ से दिसंबर मंथ में ज्वाइंट सर्वे किया गया था। इसमें लिली और लिली से विक्रमपुर के बीच में जितनी भी विद्युत लाइनें आ रही है, जो सुरक्षा दृष्टि से जिनको ऊंचा करवाना जरूरी है और जो शिफ्टिंग करवाना जरूरी है, उसकी रिगार्डिंग इनको दिसंबर 2018 में हमने विभाग की तरफ से प्राकलन बना के भी दिया है और डिमांड नोट भी जारी किया है, लेकिन MPRRDA की तरफ से कोई पहल नहीं की भी, आज दिनांक तक भी कोई राशि जमा नहीं की। राशि जमा होने के उपरांत वर्क आर्डर होगा और काम भी संबंधित विभाग MPRRDA को ही करवाना है। गोपाल प्रसाद मीणा। तार नीचे तो बहुत ज़्यादा, इसलिए टकरा गया उसमें, क्या करा उसको बचाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ गई, पानी के ठिकाने पर लेकर। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि हमारे द्वारा आज से 5 माह पूर्व ही प्रांकलन बनाकर डिमांड नोट दे दिया गया था, जिसमें MPEB को पोल शिफ्टिंग के लिए 5% राशि जमा कराना होता है, लेकिन उनकी तरफ से 5 माह बीतने के बाद भी आज तक कोई राशि जमा नहीं की गई और सड़क का काम धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो कि गलत है। गंभीर लापरवाही है, जिसके कारण ये आए दिन ये घटना घटित हो रही है। इसमें कई प्रकार के जान माल का नुकसान हो रहा है। मैंने इसे जानकारी मांगी है, कल मुझे जानकारी मिल जाएगी। कुल ऐसे 11 रोड है जिसमें निर्माण एजेंसी ने डिमांड नोटिस देने के बाद भी राशि नहीं जमा करवाई, जिसके कारण तार अभी ऊंचे नहीं हुए हैं। कल सूची प्राप्त होने के बाद मैं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव भेजूंगा कि इनकी वजह से जन सामान्य को नुकसान हो रहा है और शीघ्र राशि जमा करवा के वो तार ऊपर करवाएँ। हाँ, वो सुपरविजन चार्ज जमा करना होता उनको और शिफ्टिंग का चार्ज भी जमा करना होता नियमानुसार, तो जो भी जितना भी चार्ज लगना है वो संबंधित एजेंसी से जमा करवाया जाएगा और तार ऊपर करवाए जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक जिम्मेदारों की आंखों से पट्टी हटेगी, फिर आम जनता को इस तरह घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देवास।